अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सूट आप देख रहे हो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मुझे 5,000 पड़ी तो क्या आप मेरा बिलीव करोगे? शायद नहीं, लेकिन यकीन मानो आपको बिल्कुल भी वो 10-15 हज़ार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा वेल फिटेड और गुड लुकिंग सूट हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो टिप्स और वो सीक्रेट्स देने वाला हूं जो आपको अपने टेलर को देने और उसे समझाना है कि कैसे वो आपको सूट बनाकर दे, ताकि अगर आप किसी सस्ते टेलर के पास भी जाते हो तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एकदम महंगा हो, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। हाय एवरीवन, दिस इज साहिल कुमार एंड दिस वाज अ वेरी लॉन्ग अवेटेड वीडियो, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट एक साल से कमेंट्स आ रहे हैं कि सूट पर एक वीडियो बनाओ। लेकिन ये वीडियो ऐसी थी जिसमें मैं चाहता था कि आपको थोड़े विजुअल्स दिखा सकूं ताकि आपको समझ आए कि कैसे जो सूट की एकदम परफेक्ट फिटिंग होती है उसको नेल करते हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। बट सिंस वी आर हियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस वीडियो को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जब भी आप अपना पहला सूट सिलवाने या फिर लेने जाओ तो इन 3 चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके सूट का कलर, देन हम डिस्कस करेंगे आपके सूट का फैब्रिक, एंड द लास्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके सूट का स्टाइल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूट के कलर से। अब अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना पहला सूट बनवाओगे और आपके दिमाग में है कि आप एक ब्लैक सूट बनवाओगे, तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप पहला सूट ब्लैक कलर में बनवाओ। इनफैक्ट मैं ब्लैक कलर रिकमेंड ही नहीं करूंगा जब तक आपके पास 3-4 सूट्स नहीं है और आप ब्लैक एक एडिशनल कलर ऐड करना चाहते हो। देयर इज अ वेरी मिक्स्ड ओपिनियन, बिकॉज बहुत से फैशन इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि आपको चारकोल ग्रे सूट बनवाना चाहिए, और बहुत से फैशन इन्फ्लुएंसर्स ये भी कहते हैं कि आपको नेवी सूट बनवाना चाहिए। बट बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर रियली गुड। बट स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको अपना सूट मैक्सिमम यूज करना है कि आप उसकी पैंट भी दूसरी आउटफिट के साथ पहन पा रहे हो, आप उसकी जो सूट जैकेट होगी उसको भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर पहन सकते हो, तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक सॉलिड नेवी ब्लू सूट, बिकॉज नेवी पैंट्स भी ऑलमोस्ट हर एक आउटफिट के साथ अच्छी लगती है, एंड इवन ए नेवी सूट जैकेट लुक्स गुड विद एवरीथिंग। तो अगर आपका गोल है वर्सेटिलिटी कि आप उस सूट को 3-4 अलग तरीकों से पहन पाओ, तो गो फॉर नेवी। अदरवाइज अगर आपको नेवी से कुछ हटकर चाहिए, देन यू कैन गो फॉर चारकोल ग्रे, और आप एक लाइट ग्रे सूट भी सिलवा सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, व्हिच इज फैब्रिक सिलेक्शन। अब अगर आप एक सूट सिलवाने गए हो, आप रेडीमेड नहीं ले रहे, वैसे हम ये चीज आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप एक सूट सिलवाने गए हो और वहां पर आपको कौन सा फैब्रिक सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि ये आपका पहला सूट है, तो आपको एक दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप फैब्रिक ले रहे हो तो हमेशा ऑफलाइन लो, बिकॉज वहां आप उसका कलर और उसका टेक्सचर बहुत बारीकी से देख पाओगे एज कम्पेयर टू एन ऑनलाइन स्टोर। सबसे पहली चीज जो आपको शॉपकीपर या फिर जिससे भी आप फैब्रिक ले रहे हो उसको बोलनी है कि आपको पॉली वूल फैब्रिक चाहिए। पॉली वूल क्या होता है, तो ये पॉलिएस्टर और वुलन का ब्लेंड होता है, और ये बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है फॉर योर फर्स्ट सूट, क्योंकि जब इस फैब्रिक का आप सूट वेयर करोगे तो ये आपकी बॉडी को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि शायद कोई और फैब्रिक नहीं देगा। और जैसे ही आप वो फैब्रिक देखोगे तो आपको चेक करना है कि उसमें जो पॉलिएस्टर की परसेंटेज है वो 30-40% हो। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पॉलिएस्टर उस फैब्रिक में हुआ तो उसमें बहुत ही वियर सी शाइन होगी जो कि अच्छी नहीं दिखती, और वो फैब्रिक थोड़ा सा चीप लुक भी देगा। यहाँ मैं आपको 100% वूल फैब्रिक इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपकी एज 20 है या फिर उसके आसपास है तो कोई पॉइंट नहीं है इतने पैसे खर्च करने का, क्योंकि 100% वूल फैब्रिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से आपका जो सूट होगा वो आपको 10-12 हज़ार रुपये का पड़ेगा, और वहीं अगर आप पॉली वूल फैब्रिक यूज करोगे तो वो प्राइस बहुत कम हो जाता है। और अगर आपको पॉली वूल फैब्रिक नहीं भी मिलता तो आप कोई भी नेचुरल फैब्रिक ले सकते हो लाइक कॉटन, बस ध्यान रखो कि उसमें शाइन ना हो और वो एकदम मैट लुक दे। और मेरे हिसाब से फैब्रिक की इतनी नॉलेज काफी रहेगी, लेकिन मेन चीज जो सूट को एक $1 million लुक देती है वो है उसका फिट और वो छोटे छोटे फीचर्स जो सूट स्टाइल को एकदम नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। ट्रस्ट में अगर आपने ये चीज परफेक्टली कर ली, समझो आपका 80% काम हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आपके सूट का स्टाइल, शुरुआत करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके सूट का फिट। 3 जो बहुत ही क्रूशियल एरियाज है वो है आपका टॉर्सो, जिसमें आपकी चेस्ट और आपकी वेस्ट होगी। 2nd इज योर स्लीव लेंथ, एंड 3rd इज योर ट्राउजर्स फिट एंड इट्स लेंथ। अब अगर आप एक टेलर के पास जाओगे तो उसके पास इनफ एक्सपीरियंस होगा कि वो आपको एक डिसेंट फिट दे पाए, लेकिन चेक करने के लिए आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। जब आप अपना सूट पहनोगे और आप उसका पहला बटन लगाओगे तो उसमें बहुत ही स्लाइट पिंच बनेगा जो कि एकदम परफेक्ट होगा। अगर आप अपने चेस्ट एरिया में इजिली हाथ डाल पा रहे हो और उसके बाद भी थोड़ा सा रूम बचा है तो वो सूट थोड़ा सा बड़ा है, और अगर आप उसको बंद करते हुए देख रहे हो कि उसमें बहुत सारे रिंकल्स बन रहे हैं तो वो सूट थोड़ा सा टाइट है, बट दिस थिंग ओवर हियर इज जस्ट परफेक्ट। 2nd इज योर स्लीव लेंथ। अब जब मेरा सूट बन के आया था ना फाइनल, तो उसकी जो स्लीव लेंथ थी वो थोड़ी सी लंबी थी, तो मैंने अपने टेलर को कहा कि ये थोड़ी छोटी कर दो, लेकिन वो मुझे ज्ञान पेलने लग गया कि इतना तो चलता है वगैरह वगैरह।
लेकिन आप ये वीडियो देख के जाओगे उसके पास, तो वो आपको नहीं समझाना चाहिए बल्कि आपको उसको समझाना है कि आपको कैसे फिटिंग चाहिए। स्लीव लेंथ जो एप्रोप्रिएट होती है वो होती है जब आपकी जो शर्ट का कफ होता है वो आपकी सूट जैकेट में से हाफ या फिर 1 इंच विजिबल हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी स्लीव लेंथ परफेक्ट है, अदरवाइज आप उसको एडजस्ट करवा सकते हो। अगर वो लंबी है तो आप कटवा दो, और अगर छोटी है कि आपका 1 इंच से ज्यादा ही विजिबल हो रहा है, बहुत बड़ा कफ दिख रहा है, तो अपने टेलर को बोलो जो उसने अंदर मार्जिन छोड़ा होगा वो उसको हल्का सा खोल दे। नेक्स्ट इज योर पैंट्स। अब अगर मैं बात करूं एकदम क्लासिक सूट की कि सूट एक्चुअली में होते कैसे थे, तो उनकी जो पैंट्स होती थी वो होती थी हाई वेस्ट, और मैं अभी आपको समझाता हूं कि वो बेटर कैसे होती है। व्हेन यू वेयर हाई वेस्ट पैंट्स तो आप थोड़े से लंबे दिखते हो, बिकॉज उससे जो आपके लेग्स होते हैं ना वो थोड़े से लंबे अपीयर होते हैं, और अगर आपका लेट्स से मेरी तरह थोड़ी सी टोंड है तो हाई वेस्ट पैंट से वो भी मिनिमाइज हो जाती है, और उससे ना एकदम जो वो लुक होता है ना ब्रॉड शोल्डर्स और स्लिम वेस्ट वाला, जिसको हम वी टेपर कहते हैं, हाई वेस्ट पैंट पहनने से एकदम वो लुक आता है। तो जब आप अपनी पैंट की मेजरमेंट्स अपने टेलर को दोगे तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, आपको ये 2 फिंगर्स लेनी है और इनको अपनी नाभि के नीचे रखना है जस्ट, और जहां पर ये फिंगर्स एंड होंगी आपको अपने टेलर को बोलना है कि आप पैंट यही बांधोगे। वो फिर कहेगा कि इतनी ऊपर कौन बांधता है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उसको कहना है मुझे ऐसी चाहिए। इंटरेस्ट में अगर आप एक बार हाई वेस्ट वाली ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट करोगे ना, मुझे नहीं लगता है कि आप लो वेस्ट या फिर मिड वेस्ट वाली ट्राउजर्स आपको अच्छी लगेंगी। एक और चीज जो आपको अपने ट्राउजर्स में चेंज करवानी है वो है कि आपको ऐसे साइड एडजस्टर्स अपनी ट्राउजर्स में लगवाने हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मल बेल्ट लूप्स भी लगवाने हैं लगवाओ, लेकिन जब भी आप एक सूट पहनोगे आपको बेल्ट नहीं पहननी। नाउ दिस इज अ वेरी डिबेटेड टॉपिक कि आपको एक सूट के साथ बेल्ट पहननी चाहिए या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पहननी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं नहीं पहननी चाहिए। मेरी जो राय है वो भी यही है कि अगर आप एक सूट पहन रहे हो तो आपको एक बेल्ट बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, बिकॉज जब आप एक सूट को विदाउट बेल्ट पहनते हो तो जो लुक आता है दैट इज सो स्लीक एंड फॉर्मल, एकदम फ्लॉलेस लगता है वो, लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और जैसे ही आप एक बेल्ट ऐड करते हो एक सूट में, अकॉर्डिंग टू मी उसकी आधी ब्यूटी चली जाती है। रेफरेंस के लिए मैं आपको 3 सिलेब्स दिखाता हूँ जो कि बहुत ही वेल ड्रेस सिलेब्स है, और आप देख सकते हो कि वो भी यूजुअली अपने सूट के साथ बेल्ट वेयर नहीं करते। एंड फॉर योर नॉलेज इन लोगों को प्रोफेशनल स्टाइल करते हैं, और मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होंगे। तो जब भी आप एक सूट पहनोगे आपको बेल्ट वेयर नहीं करनी, बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस लेट्स से अगर आपने एक सूट सिलवाया तो उसकी पैंट आपकी एकदम फिट की होगी, तो आपको एक बेल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप सस्पेंडर्स पहन सकते हो या फिर आप साइड एडजस्टर्स लगवा सकते हो। और अगर आपको साइड एडजस्टर्स वाली ट्राउजर्स पसंद है तो आप हमारा रिसेंटली लॉन्च्ड ब्रांड मिनिमल अर्म जरूर चेक कर सकते हो, जहां हमने न्यू कलेक्शन लॉन्च किया इंट्रोड्यूसिंग पैंट्स विद साइड एडजस्टर्स। मैं इस पर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा, बट तब तक के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो, विच इज एट मिनिमल अर्म। अब हम डिस्कस करेंगे आपके पैंट की फिट और लेंथ, जो कि आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगी। मैं जो प्रेफर करता हूं वो है स्लिम फिट और नो ब्रेक लुक, जो कि अचीव करने में थोड़े से ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, क्योंकि कभी आपके टेलर से आपकी पैंट 1 इंच छोटी हो जाएगी, कभी 1 इंच लंबी हो जाएगी, बट वो आप एडजस्ट करवा सकते हो उनको शूज के साथ ट्राई करके। और रही बात पैंट की फिटिंग की, तो यहाँ समझाने से बेटर है कि आप जब ये वीडियो ओवर हो जाएगी तो आप एक बार ये वीडियो चेक कर सकते हो जहाँ मैंने बात की थी कि आपकी फॉर्मल पैंट आपको फिट कैसे होनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इंडेक्स कार्ड में भी दे दूंगा, और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब हम आएंगे आपके सूट के स्टाइल की तरफ, कि आपके लेपल्स कैसे होने चाहिए, आपको 2 बटन बनवाना है या फिर 1 बटन बनवाना है, आपको कौन सा कट पसंद है, कि आपको इटालियन कट चाहिए, इंग्लिश कट चाहिए, ये सब। सो एज योर फर्स्ट सूट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक 2 बटन सूट बनवाओ, बिकॉज 1 बटन टक्सीडो होता है और अभी हमें वो नहीं चाहिए। अगली चीज है आपके सूट के लेपल्स, इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। फर्स्ट इज पीक लेपल जो कि मेरे सूट में है, सेकेंड इज नॉच लेबल, ये कुछ ऐसे दिखते हैं और ये थोड़ा सा कॉमन ऑप्शन है। अब पीक लेबल मैं आपको तब सजेस्ट करूंगा व्हेन यू नॉट प्लानिंग टू वेयर योर सूट जैकेट विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बिकॉज पीक लेबल थोड़ा सा फॉर्मल होता है जो कि सिर्फ एक सूट पर अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ब्लेजर एंड पैंट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपकी सूट की जैकेट है वो आप और भी कॉम्बिनेशन के साथ पहन पाओ, तो आपको एक नॉच लेबल बनवाना है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, और ये आप इजीली हर चीज के साथ वेयर कर पाओगे। नेक्स्ट इज द बैक साइड ऑफ योर सूट जैकेट, जो वेंट्स होते हैं, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, नो वेंट, सिंगल वेंट एंड डबल वेंट। जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगता है वो है ये डबल वेंट। आपको अपने टेलर को बोलना है कि वो आपको पीछे से ऐसा ही स्टाइल बनाकर दे। एक और टिप जो आप अपने टेलर को दे सकते हो, इनफैक्ट मैं कहूंगा गोल्डन टिप है जो आपको अपने टेलर को देनी ही चाहिए, वो ये है कि जो आपके शोल्डर्स में वो पैडिंग यूज करेगा सूट बनाते हुए, तो उसको बोलना कि वो कम से कम यूज करे, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे सूट्स देखे जहां पर बंदा इतना था लेकिन उसके शोल्डर्स इतने अपीयर हो रहे थे बिकॉज ऑफ द पैडिंग। तो आप कोशिश करना कि आप ये चीज जरूर ध्यान रखो। तो अब इसको अगर हम सम अप करें तो आपको निम्नलिखित चीजों पर ध्यान देना है। फर्स्ट नेवी सूट, सेकंड पॉलीवुल फैब्रिक और वुलन फैब्रिक, थर्ड ये थोड़ा सा लंबा है तो बेटर है कि आप इस टाइम स्टैम्प पर दोबारा जाकर देख सकते हो कि कैसे आपको एक सूट सिलवाना है और उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। एंड आई गेस दिस वाज ऑल जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक पहला सूट बनवाओगे।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो में बताई हुई हर एक चीज एक्जैक्टली फॉलो करोगे तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने ही सस्ते टेलर के पास चले जाओ, जो वो आपकी गाइडेंस से आपको सूट बनाकर देगा वो बहुत ही सुंदर होगा, उसका फिट एकदम फ्लॉलेस होगा, उसका फैब्रिक एकदम क्वालिटी वाला होगा एंड यू विल बी लुकिंग लाइक अ सेक्सी जेंटलमैन। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इन केस यू लाइक इट एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल, give it a thumbs up. Also watch this video which I made on how should your pants fit. अगर आपको नहीं पता कि आपकी formal pants कैसे fit होनी चाहिए, make sure you give it a watch. और अगर आपको side adjusters वाली pants खरीदनी है या फिर आपको पसंद है तो आप हमारा brand जरूर check कर सकते हो, which is Minimalarm. You can check it out on Instagram @Minimalarm. And this was all for today's video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.